हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी, क्या हाल है आपके? तो जी, आज है मंडे इवनिंग और आज आखिरी नवरात्रा है। तो बस यहाँ मैंने खाने में अपना फास्ट खोलना था, तो खाना बना रही हूँ मैं। आलू टमाटर की सब्जी, पराठे और दही सैलेड। तो अभी किचन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, तो बस खाना ही बना रही थी। अभी मम्मी को खाना दिया था, तो कल के लिए ले आई हूँ मैं सूजी, काले चने। कल फास्ट वो है, नौमी है, तो कंजक करूँगी, इसलिए ले आई हूँ। और फ्रेंड्स, बताइए आप लोग क्या कर रहे हो? मेरा तो अभी यही काम चल रहा है, बनाने का। और 8 बजने वाले हैं, है ना? तो अभी मैं बाहर का भी दिखाती हूँ, बाहर कितना शोर शराबा मच रहा है। तो बस ये आखिरी पराठा रह गया था बनाने को, फिर इसके बाद पेट पूजा करूँगी। भूख लग रही है बहुत तेज से, है ना? तो आज आखिरी है, फिर इसके बाद तो कल से खाएंगे खूब बढ़िया बढ़िया सा खाना। 9 दिन ऐसे ही निकल गए, पता भी नहीं चला कि कैसे नवरात्रे शुरू हुए और ख़त्म हो गए। और ऐसे ही सारे धीरे धीरे ना त्यौहार भी ख़त्म हो जाएंगे जल्दी जल्दी से। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, बाहर कैसा शोर शराबा हो रहा है। तो ये रामलीला के चक्कर में हो रही है इतनी चहल पहल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज है नौमी, और नौमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बज रहे हैं सुबह के 6:45। तो बस आज मुझे कंजक निकालनी है, और मैं लग गई हूँ तैयारियों में। तो जी, अब बना रही हूँ मैं हलवा, दिखाती हूँ आपको। ये हलवा सूजी भूनूंगी, और यहाँ मैंने काले चने बनने रख दिए हैं, और अभी आटा भूनूंगी। फ्रेंड्स, ये बना रही हूँ मैं हलवा, अभी सूजी को भूनूंगी खूब अच्छी तरीके से। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने सूजी को अच्छे से भून लिया है, और उसमें घी खूब अच्छे तरीके से डाल लिया है। तो सूजी जब तक भूनती ठीक से नहीं है ना, तो जब तक ना हलवा फिर कच्चा कच्चा लगता है। तो बस वही है, मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि कंजक जिमानी थी, तो इसी वजह से अब मैंने हलवा यहाँ बना लिया है। और नहा ली, पूजा वगैरह अभी करूँगी। पहले मैंने सोचा चलो हलवा छोले वगैरह रेडी करके ना तभी जाऊँगी मैं मंदिर, क्योंकि ये रहेगा ना फिर ये टेंशन नहीं रहेगी। तो इस वजह से मैंने पहले हलवा और छोले बनाने रख दिए थे। तो बस यहाँ जब तक मेरी सूजी बुन रही थी धीमे धीमे आँच पे, तो जब तक मैंने आटा भी रेडी कर लिया था। और बस हलवा बनाने के बाद मैं जाऊँगी मंदिर, वहाँ पे भोले बाबा को नहलाने के लिए। तो यहाँ ये सब रेडी होगा, क्योंकि अभी तो बच्चे सो रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी कहाँ कंजक आएगी 7 बजे तक भी। तो ये कंजक आने आने में तो 8:30 बजने ही बजने हैं। और यहाँ पे जब सूजी मेरी भुन गई, तो मैंने इसमें चीनी और पानी वगैरह ऐड कर दिया है, और फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दूँगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट एंड में डालूंगी। क्या होता है ना, किशमिश अगर भूनते में ही डाल दो ना, तो बहुत अजीब सी हो जाती है ना, काली काली सी। तो मैं किशमिश थोड़ा लेट ही डालूंगी। और ये देखिए, हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंजकें आई थी, और मेरा खाना बिल्कुल तैयार हो गया था। तो मैंने जब तक इनको कहा बैठो, माता रानी के जयकारे लगाओ, और फिर जब सारी कंजकें आ जाएंगी ना, तभी इकट्ठा मैं कंजकों को जिमाऊंगी। कम से कम 9 तो होनी चाहिए, बट ज़्यादा आ जाए तो कोई बात नहीं, मगर 9 तो एटलीस्ट जिमानी चाहिए। चलो कार्तिक पैर छू लो। हम भी बोले, जोर से बोलो, पहाड़ों वाली, शेरों वाली, आगे सवारी, पीछे सवारी, झंडे वाली, काल का मैया, काली मैया।
हाँ जी, तो अब कंजी के जिम गई थी और वही है कि सुबह से उठे उठे मैं उठी थी 5 बजे। हाँ, 5 बजे मैं उठ गई थी, 5:10 के करीब उठ गई थी। तो बस वही है, जल्दी जल्दी आज कंजी जिम आनी थी तो बस सारे कामों में लग गई थी। और काले चने जो मैंने रात को भिगोए थे, तो बस सुबह उठते ही नहाई धोई, झाड़ू पोछा करा और फिर पहले मैंने भोग बनाया, कंजक जिमाने का हलवा बनाया, छोले बनाए, आटा वगैरह गूंदा। तो बस अब लग गई हूँ यहाँ पे, अब किचन वगैरह साफ करूँगी क्योंकि कंजक जिम चुकी है। फिर जब कंजक के जिम गई थी, इसके बाद ही मैंने अपना 9 दिन का उपवास खोला था। तो अन्य 9 दिन बाद गया, चने और हलवे का प्रसाद ग्रहण करा। और अब धोऊंगी मैं कपड़े, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि कंजक जिमने के बाद ही कपड़े धोते, पता नहीं क्या रिवाज है। और मायके में मेरे ये है कि पहले कपड़े धो लो, कंजक जिमने के बाद कपड़े नहीं धोते। तो सब जगह का अलग अलग है। तो अब मैं कपड़े धोऊंगी, क्योंकि कपड़े तो बहुत सारे हो ही जाते हैं मेरे रोज़ाना के। और यहाँ बेडशीट वगैरह भी मैंने उतार दी थी, क्योंकि गंदी हो रही थी, कई दिन से धुली नहीं थी ना मेरी बेडशीट। तो बस यहाँ पे ये सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और अब बस जल्दी से इन कपड़ों को धो दूँगी। और खाना मैंने बनाना नहीं है, क्योंकि मेरी रात की सब्जी रखी है और पूड़ियाँ वगैरह तो बनी गई हैं, और दोपहर में देखी जाएगी। अभी हाल फिलहाल का तो हो गया है नाश्ता, और इनका फास्ट है, आज ट्यूसडे है। तो बस बहुत अच्छा लगता है ना त्यौहार का, कि नवमी पूजी है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कंजे के आई और खूब अच्छे से खाना वगैरह। वो बच्चों ने खूब जयकारे लगाए और बहुत सारे बच्चे आए, तो अच्छा लगता है कंजकों को जिमाना। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब नवमी अष्टमी होती है। तो हमारे यहाँ तो नवमी होती है और कल दशहरा है, तो कल मैं आपको दशहरा दिखाऊंगी। यहीं हमारे घर के बाहर ना सामने जो ग्राउंड है, उसी में ही रावण जलेगा ना, तो वो रावण का भी मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ ये बर्तन जो मैं धो के चली गई थी ना, अब इनको बस जल्दी से लगा दूंगी, क्योंकि बर्तनों का पानी भी निकल गया था, सूख गया था, तो बर्तन भी हो गए थे सूखे हुए। तो बस अब जल्दी से क्लीन कर दूंगी किचन को, क्योंकि किचन में सुबह से देखो कितना काम हुआ है ना, तो किचन बिल्कुल बहुत गंदी तरीके से मैसी हो गया था। क्योंकि कढ़ाई वढ़ाई जब रखी जाती है ना, तो नेचुरली सी बात है कि स्लिप पे शेल्फ पे सारे में ऑयल हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे अब सर्फ के जूने से किचन को साफ कर लूँगी, फिर इसके बाद करनी है मेरे को सफाई, क्योंकि अभी कहीं की कोई झाड़ू पोछा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं करा है। क्योंकि पहले मेरे को यही था कि मैं किचन को ही निपटाऊँ, क्योंकि किचन निपट जाती ना, फिर ये टेंशन नहीं रहती कि अभी सफाई करने के बाद मुझे किचन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना आज गैस सर्फ से साफ करूँगी, साबुन वाले जूने से, क्योंकि वही ऑयली खाना बना है तो स्टिकी स्टिकी सी हो ही जाती है ना गैस, तो बस इसी वजह से। तो यहाँ आप देखिए गैस को पूरा अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और दूध आ गया था, उसको भी मैंने बॉईल होने रख दिया था। तो आज क्या हुआ था ना, देखो कंजक जिम गई, सब कुछ कार्तिक उठ गया, डुग्गू नहीं उठा, डुग्गू अभी भी सोया पड़ा था। और वो ये ना, फिर गुस्सा आती है बच्चों को, बच्चे समझते नहीं हैं, और कंजक जिम गई, बच्चे अपने ही बच्चे नहीं उठे, तो बड़ा बहुत ज़्यादा बेकार लगा था मेरे को, बोल बोल के मैं उसको थक ली थी। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉयल होने रख दिया है, और अभी बहुत सारे काम हैं, सीढ़ियाँ वगैरह भी साफ करनी है। तो बस वही त्यौहार त्यौहार अब ऐसे ही रहेगा, जल्दी जल्दी काम निपटाओ, जल्दी जल्दी करो। तो अभी ये सारी ड्रॉर्स वगैरह को भी मैं अच्छे से साफ कर लूँगी, क्योंकि हाथ लग ही जाते हैं जितना मर्जी हो। तो वही है, छोले हलवा बने थे ना सुबह के, तो बस वो थोड़े से रखे हुए हैं, और अभी खाने का कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो वही है ना कि बच्चे सबका अलग अलग ही है खाने का। चलो खाना तो देखी जाएगी, और अब बस जल्दी से यहाँ पे किचन का पूरा ये प्लेटफॉर्म क्लीन करने के बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू और पोछा।
जी फ्रेंड्स, यहाँ मैं करूँगी अपने इस वाले ब्लॉग का एंड। आई होप आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और कल मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिए, और कल है दशहरा।